नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने खेत में जो है वहाँ पे खड़ा हूँ। तो लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो डाली थी आंवला प्लांट के ऊपर, तो उसके संबंध में जो एक दोस्त ने कमेंट किया है कि दो आंवला के प्लांट के बिना जो उसको फल नहीं लगता। तो आज की वीडियो का हमारा विषय रहेगा कि क्या दो आंवला के पौधे जो है वो होने चाहिए फल लगने के लिए। तो उसको समझने से पहले या उसको देखने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, तो कृपया ध्यान से देखें। यहाँ पे हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन में होता क्या है, जो एक फ्लावर होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है एंथर, जिसमें बीजाणु होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। वो वहाँ से हवा के जरिए, मधुमक्खियों के जरिए जो है वो फ्लावर के अंदर ही अंदरूनी भाग में चले जाते हैं। यहाँ से बीज का निर्माण होना शुरू होता है। तो ये एक ही पौधे के दो फूलों के बीच हो सकता है, या फिर दो अलग अलग पौधे हो सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, एक ही पौधे के दो फूल हैं, वहाँ पे ही ये काम चल जाता है। अब इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरी एग्जाम्पल जो हम लेते हैं वो लेते हैं, अगर दो पौधे एक साथ है, जैसे भाई ने कमेंट में बोला है, तो एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल तक जो ये बीज बनाने का प्रोसेस होता है, जिसको हम एंथर बोलते हैं, एक मेल पार्ट होता है जो पौधा के फीमेल पार्ट में जाता है, तो फीमेल पार्ट में बीज बनना शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये प्रोसेस रहता है जिसके लिए लोग बोलते हैं कि दो पौधे होने चाहिए। ये तीन प्रोसेस आप देख पा रहे हैं, हवा के जरिए भी ये हो सकता है, वाटर के पानी के माध्यम से भी हो सकता है, मधुमक्खियों के या और किसी जानवरों के थ्रू भी ये हो सकता है। तो अभी आपने देखा, ये था पढ़ाई का एक विषय। तो अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल की ओर, जहाँ पे हमने अपने खेत में ये एक पौधा लगा के प्रैक्टिकल किया था। 2018 में मैंने एक वीडियो डाला था, अभी उसको 4 साल हो गए हैं। तो मैं बिजी था, तो वीडियो डालने का जो मुझे मौका नहीं मिला। तो आज मौका मिला और मैं फार्म पे था, तो याद आया कि आप लोगों को दिखा दूं कि एक पौधे को भी फल लग जाते हैं। अभी पौधा भी आप देख पा रहे हो, बिल्कुल छोटा सा पौधा है, लेकिन इसको अभी 6 साल के करीब हो गए हैं लगे हुए। तो हमारे गुरुओं ने श्लोक में भी लिखा है, पहले पहरा फुलड़ा फल भी पछारा। इस श्लोक का भी मतलब रहता है कि अगर किसी पौधे को फूल लगा है तो उसको फल भी लगेगा कुछ देर के बाद, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन जो हमने पढ़ा, अभी देखा वीडियो में एनिमेशन के थ्रू, एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों से भी ये पौधे जो आंवले हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो मेरी उंगली के पास, जहाँ पे आंवला जो है लगा हुआ है, उम्मीद है कि आप देख पा रहे होगे। अभी भी प्लांट जो है, पौधा जो है वो छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। देख सकते हो कुछ ही टहनियां हैं इसके ऊपर, देख सकते हो जहाँ पे हमारे खेत में जो है एक ही पौधा है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर जो आई का साइन आपको दिखाई देगा, वहाँ पे अपनी पहली वीडियो का लिंक भी डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप पहली वीडियो देख सकते हो। और पूरे खेत में एक ही पौधा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा होगा, कि उम्मीद बजी होगी आपको, एक उम्मीद जागी होगी कि आपके जो घर पे पौधा है जिसको अभी तक फल नहीं लग पाया, उसको इस तरह से फल लग जाएगा। तो आशा बांधे रखें और पौधे को खाद खुराक देना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।